hello everyone welcome back to our channel i'm sure that all of you are preparing really well for your class 10th and 12th board exams uh, in our uh, contribution to help you succeed in your board exams we have uh, come up with some videos where we'll be discussing some grammar questions from class 10th english so let's begin if i give you a brief overview of this section that you'll have to take care this time it would be of 10 marks of integrated grammar if you ask me what integrated grammar is, then it basically is uh, a mixture of all types of questions that you have seen all types of question uh, topics basically that you have uh, studied so far in your class 10th. So there must be some questions of editing, some of omitting. The format has changed a little bit uh, in last one year. Then uh, you will see questions of reported speech, active passive, all these kind of questions in 10 marks.

राकेश बोलता है आई सॉ सो दे इन माई क्लास तो ये थोड़ा फनी बना रखा है इसमें इसको हम कन्वर्ट करते हैं सो so, राकेश रिप्लाइड अब आपको क्या करना है सबसे पहले आपने देखना है राकेश ने क्या बोला आई सो दस्त डे इन माई क्लास तो जो ये है दिस इज बेसिकली योर सिंपल पास्ट सिंपल पास्ट जो है वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है जो बहुत से लोग नहीं करते हैं तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा पास्ट परफेक्ट के लिए आपको हैड इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा ठीक है तो आपका आंसर अच्छा बन जाएगा ही हैड सीन देम इन द क्लास द प्रीवियस डे क्योंकि ये क्या बन जाएगा प्रीवियस डे बन जाएगा ठीक है तो यहाँ पे आपने एक तो ध्यान रखना है कि सिंपल पास्ट को आपको पास परफेक्ट में कन्वर्ट करना है और येस्ट को द प्रीवियस डे में कन्वर्ट करना है आगे चलते हैं ये मोडाल का एक क्वेश्चन है द स्विमर दॉ टायर्ड बट ही डैश रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स तो यहाँ पे क्या लिखा है कि वो टायर्ड था बट वो पहुंच गया ठीक है वो पहुंच पाया तो पहुंच पाया मतलब पास्ट ही है तो पास्ट में क्या आएगा कुड तो ही कुड रीच द शोर बिफोर ही कोलैप्स्ड नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक एरर ढूंढना है हैव यू एवर लर्न फ्रॉम अ मिस्टेक यू हैव मेड तो यहाँ पे ना क्या है हैव लिखा है हैव मतलब होता है कि या तो वो प्रेजेंट परफेक्ट uh, में यूज होता है आपका हैव प्रेजेंट तो ठीक है प्रेजेंट तो हैव ने बता दिया बट परफेक्ट जो होता है उसके लिए आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी पड़ती है तो क्या फॉर्म होगी यहाँ पे लर्न आपका वर्ब है तो लर्न की जगह क्या होना चाहिए लर्न होना चाहिए इधर सो द राइट आंसर इज लर्न का लर्न आपको चार ऑप्शन दिए हैं आपको ढूंढना था कौन सा वाला सो ए पार्ट इज द राइट आंसर ओके लेट्स गो अहेड लास्ट ईयर बट आई डैश माई ओल्ड कार ये सो एट प्रेजेंट आई है तो बोल रहा है कि मैंने एक कार ली है और मैंने पुरानी वाली बेची नहीं है अभी तक नहीं बेची अभी तक नहीं बेची मतलब वो एक्टिविटी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है प्रेजेंट में भी चल रही है तो प्रेजेंट के लिए हैव चाहिए हमें नॉट मतलब उसने बेची नहीं है नेगेटिव हो गया सोल्ड मतलब परफेक्ट मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है नेगेटिव वाला सो हैव नॉट सोल्ड माय ओल्ड कार येट सो बी इज द राइट आंसर ओके नीदर यू नॉर योर सिस्टर शुड अब यहाँ पे क्या आएगा तो आप बोल रहे हो ना ही आपको ना ही आपकी बहन को उस, उनसे बात करनी चाहिए क्योंकि यहाँ पे शुड है एक मोडाल ऑलरेडी है तो यहाँ पे जो भी वर्ब होता है उसकी फॉर्म चेंज नहीं होती तो क्या आएगा शुड टॉक टू ओके आगे चलते हैं uh, हमें इसको फिर से रिपोर्टेड स्पीच में करना है आई एम सरप्राइज टू सी यू हेयर इन डेली वेन डिड यू कम आई केम हेयर जॉब हेयर इसमें आप क्या चेंज करोगे आप तो यहाँ पे ये को ऑलरेडी प्रीवियस डे कर रखा है तो जब भी आप रिपोर्टेड स्पीच में ये टुडे टू ये सब देखो तो यू शुड बी यू ना वेरी केयरफुल बट यहाँ पे ऑलरेडी कर रखा है सो दे हैव मेड योर जॉब इजी आपको बस क्या करना है uh, half की जगह हैड करना है सो आई हैड बी सो ही हैड बीन हैड करना है बीन एज इट इज रहेगा ऑफर्ड अ जॉब ये भी वैसे रहेगा हेयर को बस आपको क्या करना पड़ेगा देर ओके अ गुड बिजनेस लेटर इज वन दैट गेट रिजल्ट तो इसमें आपको एरर ढूंढना है तो यहाँ पे एक बिजनेस लेटर है तो एक के लिए आपको गेट्स करना पड़ेगा इसको तो क्या आएगा गेट की जगह गेट्स फिर से रिपोर्टेड स्पीच करनी है ही सर रीना डू यू वॉन्ट टू अ हाउस इन नोएडा अब ये क्या है जो uh, ही है उसने रीना से एक क्वेश्चन पूछा है विच इज बेसिकली यू नो अ क्वेश्चन जिसका आंसर या तो यस होगा या तो नो होगा ठीक है डू यू वॉन्ट टू अ हाउस हाँ या फिर ना तो जब भी ऐसे हाँ या ना वाले आंसर वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें वॉट डू यू डू इज आप क्या करते हो आप अपने रिपोर्टेड स्पीच में या तो आप इफ यूज करते हो या तो आप वेदर यूज करते हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ही आस्ट रीना यहाँ पे या तो आप इफ लगाओगे अपने आंसर को स्टार्ट करने से पहले या फिर आप वेदर लगाओगे वेरी इंपॉर्टेंट ओके यू कैन टेक अ स्क्रीन शॉट ऑल्सो ऑफ इसमें एरर निकालना आपको ही सेड आई आई विल यूज कार तो वेन एवर आई वॉन्टेड नहीं होगा वो बोल रहा है मैं यूज करता रहूंगा जब मेरा मन करेगा तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा वेन एवर आई वॉन्ट मतलब सिंपल प्रेजेंट टेंस की वो जब उसका मन करेगा तब वो उसको यूज करेगा वॉन्टेड की जगह वॉन्ट ठीक है ओके अब यहाँ पे आपको कंप्लीट करना है डायलॉग वट आर यू डूइंग दिस वीक एंड I don't have any special plan. How do you like the idea of? अब यहाँ पे off go नहीं हो सकता ठीक है Off went नहीं हो सकता

have, have जो होता है वो आपका प्लूरल के साथ लगता है has आएगा यहाँ पे जो आपका सिंगुलर के साथ लगता है सो so, यहाँ पेज हाफ की जगह आप हेज़ करोगे ठीक है सो वी आर डन विद ट्वेल्व क्वेश्चन आपको इसमें से दस करने हैं कोई भी सो आई वुड सजेस्ट कि आप रिपोर्ट भी अच्छे से करें बिकॉज उसमें बकाफ्स के काफी क्वेश्चन हैं एरर्स निकालने में यू शुड बी वेरी गुड एंड देन का यू शुड हैव सम आइडिया सो यू विल बी गुड टू गो एंड यू विल बी एबल टू डू टेन क्वेश्चन थैंक यू वेरी मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो hello everyone hope you're preparing really well for your class 10 board exams uh, as you all know english is one way scoring paper but also uh, a slippery slope where you end up losing a lot of marks if you are not careful enough, so let's uh, look at some more questions. We have already posted one video on grammar questions. This is our, another video uh, where we'll be taking you through the section of grammar that you have to encounter this time. It will be of 10 marks, 12 questions. Out of 12 questions, you just have to do the best 10. So don't attempt all 12 of them. So let's begin. सो so the फर्स्ट क्वेश्चन इज the boys डास्ट to my lecture since एट o'clock this morning. अब इसमें ना आप लोग कन्फ्यूज होंगे गए कि आप वर्ड लिसनिंग भी लिख सकते हो पर जहाँ पे यहाँ पे आपको ये देखना है जहाँ पे सिंस या फिर फॉर जैसे टाइम uh, रेफरेंसेज uh, हैं कि since एट o'clock, क्लॉक फॉर एट आवर्स अगर ऐसा कुछ रेफरेंस है तो उसमें आपको हैव बीन लगाना पड़ेगा हैव बीन या फिर हैज बीन लगाना पड़ेगा तो यहाँ पे क्या है बॉय द बॉयज है क्योंकि यहाँ पे बॉयज है तो इसलिए हैव हाँ आएगा अगर यहाँ पे बॉय होता तो हाँ आता ठीक है okay. अब हमें पे करनी है सो द डॉटर से डॉटर रिप्लाई दैट हर माई की जगह क्या हो जाएगा हर जगह क्या हो जाएगा वर अप्रोचिंग वर अप्रोचिंग ज्वाइन द गैंग ऑफ टेररिस्ट सो यहाँ पे अब क्या होगा आपको क्या करना पड़ेगा Uh, आप लिखोगे आई वुड रैदर डाय कि आप एक ऑप्शन बता रहे हो कि आप अपनी जान दे दोगे आप पर गैंग ऑफ टेररिस्ट पे ज्वाइन नहीं करोगे अगला uh, यहाँ पे आपको एक करेक्शन देनी है एरर है इधर A little political thinkers think that liberty and equity, equality can't go together. So a little, little लगता है यार uncountable चीजों के साथ जैसे a little milk, ठीक है जो आप काउंट नहीं कर सकते जैसे आप मिल्क को काउंट नहीं कर सकते वन मिल्क टू मिल्क ऐसे काउंट नहीं कर सकते ठीक है सिमिलरली आप क्लॉथ uh, को काउंट नहीं कर सकते हो मतलब क्लॉथ को आप काउंट कर सकते हो और मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते टी शुगर इन सब चीजों को आप काउंट नहीं कर सकते हो ठीक है आप इनको वे कर सकते हो आप इनको मेजर कर सकते हो बट आप इनको वन टू थ्री में काउंट नहीं कर सकते हो ठीक है है तो तो इसलिए लिटिल पॉलिटिकल पॉलिटिकल थिंकर्स थिंकर्स जो पोलिटिकल तो है ना जितने भी होंगे तो दे आर तो काउंटेबल वन पॉलिटिकल थिंकर टू पॉलिटिकल थिंकर तो इसमें लिटिल नहीं लगेगा आपको उसकी जगह सम लगाना पड़ेगा ठीक है सो सी पार्ट इज द राइट आंसर दे मेट यू एट नाइट आफ्टर अब आपने जब अपना काम खत्म कर लिया था तो यहाँ पे क्या आएगा यू हैव फिनिश्ड योर वर्क ओके अब यार इसमें ना आपको क्या करना है आपको यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन है ये so, सो इसमें लिखा है क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक सो व्हाट डज दिस मीन इसका मतलब ये यह है यहाँ पे इसका मतलब ये है कि जो क्रिस है ठीक है क्रिस इन एडिशन टू हिज ब्रदर जैक जब भी ऐसे क्वेश्चन आएंगे कि क्रिस और जैक है और उनको ज्वाइन ऐसे कर रखा है इन एडिशन टू अलोंग विथ together with इससे ज्वाइन कर रखा है तो आप बस फर्स्ट वाले सब्जेक्ट को देखोगे मतलब आप क्रिस को देखोगे तो क्रिस तो सिंगुलर है तो यहाँ पे सिंगुलर लगेगा विच इज प्लेज हॉकी ऑन सैटरडे अगर ऐसा यही होता है क्रिस एंड जैक तो प्ले आ जाता है बिकॉज एंड मतलब दोनों साथ में ठीक तो है यहाँ पे क्या मतलब है कि इंपॉर्टेंट क्रिस है इस वाले केस में तो हम सिर्फ क्रिस को देखेंगे अब आते हैं आगे अः यहाँ पे आपको फिर से रिपोर्टेड स्पीच करना है ओके okay, सो so, क्या आएगा इसमें द डॉक्टर रिप्लाइड नेगेटिवली एंड सेड दैट ही शुड टेक इट आफ्टर ब्रेकफास्ट सो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था इसमें कुछ चेंजेस नहीं थे सम गाइज लाइक टू जब भी टू आता है टू के साथ हमेशा बेसिक फॉर्म ऑफ वर्ब आती है तो फाइट की जगह क्या आएगा फाइट सिर्फ फाइट टू फाइट फाइट के साथ टू के साथ कभी भी आप कुछ चेंज नहीं लगाओगे He He asked, will you be coming? He asked, if if यहाँ पे क्यों? क्योंकि will you be coming का आंसर या तो ये yes होगा या तो नो no. तो जब भी ऐसे येस या नो वाले क्वेश्चन का आप रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हो तो आपको इफ लगाना या फिर be coming फुल स्टॉप या फिर you would be coming भी चलेगा ठीक है पर फुल स्टॉप आएगा क्वेश्चन मार्क हट जाएगा रिपोर्टेड स्पीच में माय क्लास टीचर टोल्ड मी दैट आई कैन वर्क हार्ड my class teacher told me that i should work hard i can't should so here 10 questions the. Uh, i'll be coming up with more such videos so stay tuned and uh, all the best and keep preparing really well